इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिलने वाली है। जहां ईद पर जॉन और सलमान की भिड़ंत होगी, वहीं दशहरे पर RRR वर्सेस मैदान के बीच क्लैश होगा। अब लीजिए इस साल की सबसे बड़ी टक्कर दिवाली पर होने वाली है, वो भी अक्षय कुमार और शाहिद कपूर के बीच। दरअसल हाल ही में आदित्य चोपड़ा के बैनर यशराज फिल्म्स ने अपनी 5 बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म पृथ्वीराज का नाम सबसे ऊपर है। इस फिल्म को बड़े लेवल पर शूट किया है और इसे दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म पृथ्वीराज के ऐलान के साथ ही ये पक्का हो गया है कि इस दिवाली शाहिद कपूर की जर्सी और अक्षय कुमार की पृथ्वीराज के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी। दरअसल शाहिद कपूर ने कुछ दिनों पहले ही फैंस को बताया था कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म जर्सी दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज करेंगे। ये साउथ की सुपरस्टार फिल्म जर्सी का ही ऑफिशियल रिमेक है, जिसकी कहानी क्रिकेटर्स के आसपास घूमती दिखाई देगी। शाहिद कपूर इस फिल्म में एक ऐसे क्रिकेटर का किरदार निभाते दिखाई देंगे जो अपनी पर्सनल जिंदगी में चल रही चीजों से परेशान है और इसी बीच वो क्रिकेट में वापसी करता है। शाहिद कपूर ने फिल्म जर्सी की शूटिंग कुछ दिनों पहले ही खत्म की है और दर्शक उनका फर्स्ट लुक देखने के बाद जर्सी के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में पृथ्वीराज के साथ होने वाले क्लैश का जर्सी पर कितना असर पड़ेगा, ये सवाल हर किसी के दिमाग में होगा। वैसे भी जब भी दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बता दें कि जहां जर्सी एक ह्यूमन इमोशन के आसपास गढ़ी गई कहानी है, जिसमें शाहिद के साथ मुनराल ठाकुर नजर आएंगी, वही पृथ्वीराज एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें अक्षय के साथ मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त जैसे स्टार्स नजर आएंगे। वेल, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस दिवाली पर अक्षय और शाहिद में से बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारता है। वैसे आप किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।